हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैगी। हाँ फ्रेंड्स, मैगी बनाने वाले हैं। इसके लिए हम ले लिए हैं सबसे पहले एक पैकेट मैगी और प्याज एक बड़े साइज़ का हमने बारीक काट रखा है, धनिया पत्ती, थोड़े से मटर हमने छील लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अदरक और लहसुन का छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है, दो हरी मिर्च काट लिया हमने फ्रेंड्स, और एक टमाटर काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और गैस चूल्हे को जला के कढ़ाई को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें सबसे पहले तेल ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन जो हमने काट रखा है फ्रेंड्स, उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हरी मिर्च ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही हम इसमें मटर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके साथ ही जो मैगी मसाला है फ्रेंड्स, उसे भी ऐड कर देंगे हम इसमें। इसके साथ ही जाएगा टमाटर, और फिर मैगी को भी तोड़ के हम इसके साथ ही डाल देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। गैस चूल्हे को फ्लेम को मीडियम कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा मैगी बनके रेडी हो चुका है, तो हम गैस चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान तरीका मैगी बनाने का, और देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, देखने में जितना टेस्टी दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वाला रेसिपी आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।